है माइक, फुल ऑन एंटरटेनर, बहुत मजा आया ट्रेलर देख के, तो इसलिए देखने आ गए. आई एम श्योर वी विल बी थर्डली एंटरटेन. बिल्कुल, एक्चुअली आजकल ट्रेलर से ही आपको आप डिसाइड कर लेते हो कि जाना है कि नहीं जाना है. हमने ट्रेलर देखा तभी दिल से एक हमारे दिल में ये था कि हमें देखना है. एंड ऑफकोर्स सोनू सूद की फिल्म है प्रभु देवा, हम इनके फैन हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमें फिल्म देखनी है जाके. एंड डांस इज मोर इम्पोर्टेंट, आपको फिल्म में डांस ही डांस है और आप लोग डांस के लिए बहुत डेडिकेटेड भी हैं. वेल हाँ, डांस का मैंने एक्चुअली सोनू सूद के वीडियोस बहुत देखे जहाँ पे वो बहुत रिहर्सल कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि जो उनका जो गाना भी आया उनमें उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे लग रहे हैं. और प्रभु देवा तो है ही, वो हम सब उनको बचपन से देखते हुए उनसे डांस सीखा है, तो ऑफकोर्स कॉन्टेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही, प्लस उसके साथ डांस भी लोगों को बहुत देखने को मिलेगा. आई थिंक इस फिल्म में प्रभु देवा इज प्लेइंग अ नॉन डांसर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. तो मैं ये देखने जा रही हूँ कि बहुत अच्छे डांसर कैसे नॉन डांसर की एक्टिंग कर सकते हैं. हॉरर भी है और साथ में वो है भूतिया फिल्म है ये शो है, पता नहीं. भूत और कॉमेडी दोनों एक साथ. अरे बाप रे, भूत तो ये देख नहीं सकती है, कॉमेडी मैं देख सकता हूँ, तो दोनों इसको भी मुझे लगता है कि समझाना होगा, दिखाना होगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सस्पेंस खोल दिया, मुझे पता ही नहीं था ये भूत वाली है. मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ आप दोनों के लिए. अच्छा, सुने एक चीज, वी आर प्लानिंग एंड सीइंग लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ यू ऑन ट्विटर इंस्टाग्राम. कहाँ बढ़ रही है आपकी, मतलब किस तरफ दिशा है और कब हम आपकी तरफ से कुछ देख रहे हैं? बिल्कुल, अभी टी सीरीज़ की फिल्म जो वजह तुम हो मैं कर रहा हूँ वो ख़त्म हो चुकी है, परसों हमने शूट ख़त्म किया और उसका ट्रेलर इसी महीने मुझे लगता है 14 या 15 तारीख को आ जाएगा, आप सब देख सकते हैं. एंड अभी बस 5 दिन का और इंतज़ार, उसके बाद गाने ट्रेलर और भूषण जी ने प्रोड्यूस किया है, विशाल पांड्या ने डायरेक्ट किया, तो आई एम श्योर 1-1.5 महीना बहुत ही धमाल होने वाला है. Yes. One show is ending, दूसरा show is starting, so it is good. मैं बताता हूँ, ट्विटर जैसे बोल दिया आपने. मैं बताता हूँ, घर में नागिन थी, अभी ऑफिशियली ये नागिन प्ले कर रही हैं और अभी मैं नागिनों की देवी प्ले करूँगी एन टीवी के संतोषी मामे, तो आई थिंक विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. डॉक्टर मधुमति फिनिश हो गया, अभी भी टेलीकास्ट चल रहा है और 2-3 दिन में हम लोग प्रोमो शूट कर रहे हैं, कल परसों प्रोमो शूट कर रहे हैं और उसके बाद से वी विल स्टार्ट शूटिंग. सो ये नागिन कितनी डिफरेंट होगी? ये बहुत ही ये नागिनों की देवी है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सोच समझ के इनकी कॉस्ट्यूम बनाए गए हैं, तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच. ऐसा नहीं है लेकिन आई एम वेरी सेंसिटिव, पर क्या है कि काफ़ी नागिने पहले से ही हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं हो जाएगा सामने रखें. हम लोग जिस फील्ड में आए हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, फिर भी कॉम्पिटिशन से हम लोग डरते नहीं हैं. जहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है खाली मैदान में तीर घुमा के क्या फ़ायदा, तो जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं वहाँ पे जाके तलवार घुमा के खेलने में ही मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा है. आपने दूसरे प्रोमोस देखे हैं? मतलब जो मैंने देखे, मेरा प्रोमो शूट करने दीजिए परसों, सो फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, हम आ रहे हैं प्रोमो शूट पे आपके, डेफिनेटली आ जाइए.